तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए सिर्फ बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है एंड देन यू आर गुड टू गो, सो इट्स नॉट इनफ. हाई, आई एम अविशा, योर डिजिटल जर्नी कंपेनियन, एंड आई एम को फाउंडर ऑफ थिंक म्यूज, अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. सो अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड येस, आज बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करनी है. सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है कि क्या करेक्ट टाइम होगा, इज दिस कि हम लेट हो चुके हैं. तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के आंसर आज हम करेंगे. तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लेट हो चुके हैं, बिकॉज हर दिन नया बिज़नेस ग्रो हो रहा है, उतने ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं नहीं और उतने ही हम हैंडल करने के लिए कैपेबल्स भी नहीं हैं बहुत सारी एजेंसीज़. सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, तो डोंट थिंक कि आप लेट हो चुके हैं. बट येस, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अब आपको डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखनी है, आपको हाई लेवल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है विथ AI एंड ऑटोमेशंस. वो ही आपको हेल्प करेगा. तो सबसे पहले आपकी स्किल इंपॉर्टेंट है. बिना स्किल्स आप बिल्कुल भी दाव नहीं खेलेंगे. आपको लगता है कि नहीं, हमें तो अगर कुछ भी नहीं आता तो भी हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अच्छे से रन कर सकते हैं. देखिए, एक बेसिक मिस्टेक क्या होती है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं और हमें कुछ नहीं आता, उस केसेस में अगर आप किसी फ्रीलांसर को आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट, है ना, उस फ्रीलांसर से भी वो चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दूसरे फ्रीलांसर्स को भी अगेन आउटसोर्स करें, फिर वापस से स्क्रैच से चीज़ें समझाएं. तो इससे बेटर है कि आप कोशिश करिए कि आप इतने केपेबल हो जाएं कि अगर वो फ्रीलांसर उस चीज़ को हैंडल करने के लिए केपेबल नहीं है या कुछ इमरजेंसीज आ रही हैं, तो आप उसको हैंडल कर पाएं. तो दिस शुड बी द सिचुएशन कि आप इतना केपेबल रहें, आपको इतनी स्किल्स आनी चाहिए. सो स्टार्ट थिंकिंग विद दैट एस्पेक्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब आपने स्किल सीख ली है, अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है. तो एक्सपेरिमेंट आपको करना कहाँ पे है? तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इंटर्नशिप्स. अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करिए. डोंट डायरेक्टली गो फॉर द कंपनी रजिस्ट्रेशन और कंपनी एक एजेंसी स्टार्ट करने के लिए. सबसे पहले फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करिए. एक दो क्लाइंट्स के साथ आप काम करेंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें कि हाँ, एक्चुअली प्रोसेस क्या है. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा फंसते हैं कि एक्चुअल में हमने प्रैक्टिस कर ली है, हमने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, अब निश सिलेक्शन की बात आती है. बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स के साथ ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमें इनिशियली निश डाउन करना चाहिए या फिर हमें डायरेक्टली सारे कंपनीज के साथ, सारे बिजनेस के साथ काम करना चाहिए. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपर्टीज़ एक ही फील्ड की नहीं है, निश सेलेक्टेड नहीं है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं मल्टीपल बिजनेसेस के साथ. इनिशियली करिए काम, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं 8-10 लाइन के बाद कि मेरा परफेक्ट निश कौन सा होगा. सो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं. बहुत सारे एजेंसीज होती हैं जो कि मल्टीपल वेंचर्स के साथ काम करती है, अलग अलग बिजनेसेस के साथ काम करती है. तो इट्स अप टू यू. अब आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. फाइनली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या आपको ऑफिस स्पेस की ज़रूरत है? यह आपकी चॉइस होगी. अगर आप रिमोटली अपनी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं. उस चीज़ के लिए आपको टीम बिल्डिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा. सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपकी कंपनी को रजिस्टर करना है. आप आइदर कोई भी एंटिटी पे रजिस्टर करिए. आप सिंगल एंटिटी में कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे. आप अपने CA से कंसल्टेशंस ले लीजिए एंड देन फाइनली गो फॉर द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी वेबसाइट ज़रूर बनाइए, बिकॉज हमें लगता है हम दूसरों को सर्विस देने जाएं और उससे पहले हमारी खुद की सर्विसेज हम अपने ऊपर ट्राई ना करें तो ये गलत बात होगा. सो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए. आपकी वेबसाइट कंप्लीट करिए, लोकल लिस्टिंग कंप्लीट करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंप्लीट करिए एंड देन फाइनली कंटेंट प्लानिंग के साथ आप अब मार्केट में उतर सकते हैं. जब आप मार्केट में उतरते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो डायरेक्टली कोशिश करते हैं कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच करें. सो आई वुड जस्ट हाईली रिकमेंड कि आप लोकल लेवल से क्यों नहीं स्टार्ट करते, बिकॉज लोकली आपको लोग जानते हैं, आप वहाँ पर एटलीस्ट ज़्यादा पॉपुलर होंगे एज़ कम्पेयर टू आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं. तो कोशिश करिए कि आप नेशनल लेवल से स्टार्ट करिए. स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगी कि आप लोकल लेवल से स्टार्ट करिए, कुछ लोकल लिस्टिंग वेबसाइट से स्टार्ट करिए, लोगों से मिलिए. तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ आप जाइए लोकल बिजनेसेस से मिलिए, एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, पता चल रहा है कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं जो एक्चुअली डिमांड में ही नहीं है. तो मेक श्योर कि आप पहले अपने अपने कस्टमर्स को समझिए बहुत अच्छे से, उनसे मिलिए रेगुलर बेसिस पे. 2-3 मीटिंग्स ऑन डेली बेसिस आपको करनी है. रैंडम लोगों से मिलिए. कोई भी आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा कि नहीं गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस. इस तरीके से कोई नहीं ट्रीट करता. दे आर वेल एजुकेटेड पीपल.
सो दे डोंट बिहेव लाइक दिस. तो आप जाइए, लोगों से मिलिए एंड वहाँ से डेटा कलेक्ट करिए कि एक्चुअली उनको डिमांड क्या है, किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. क्या पता वो आपकी सर्विस के बजाय एक प्रोडक्ट आपको बनाना पड़े जो कि डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड ही हो एंड वो शायद ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे. तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है एंड यू जस्ट हैव टू मेक कम्प्लीट वर्क ऑन दिस. एटलीस्ट 2 से 3 महीने इस पर बहुत अच्छे से काम करिए एंड आप जब लोगों से मिलेंगे वहाँ विजिटिंग कार्ड छोड़ के आएंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे चांसेस हैं कि लोग आपको याद करेंगे एंड जब डिजिटल मार्केटिंग की बारी आएगी फॉर श्योर वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपको ही करने वाले हैं. तो इस तरीके से आपको बेसिकली डेटा कलेक्ट करना है, उनके नंबर्स भी लेके आइए. अगर आप उनको नर्चर कर सकें तो आप उनको रिमाइंडर्स भेज सकते हैं. फाइनली वहाँ से बहुत अच्छा कन्वर्जेंस आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ अपने लिए मार्केटिंग बजट एलोकेट करना. बिकॉज हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम सिर्फ नॉर्मल लेवल पे हम डिजिटल मार्केटर्स हैं तो हमें मार्केटिंग एलोकेशंस बजट एलोकेशंस की ज़रूरत नहीं है. बट ऐसा नहीं है, आपको भी मार्केटिंग बजट हर मंथ के लिए एलोकेट करना है. एक्चुअली आपकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप कौन से महीने में वेबिनार से कन्वर्जन्स लेके आने वाले हैं, कौन से महीने में आप PDF से काम करने वाले हैं, किस महीने इनबाउंड किस महीने आउटबाउंड आपको करना है. तो एवरीथिंग यू नीड टू जस्ट गेट द कम्प्लीट डिटेल्स ऑफ योर थिंग्स. तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है आपका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाना हर मंथ की प्लानिंग. बिकॉज क्या होता है जब नए डिजिटल मार्केटर्स आते हैं मार्केट के अंदर, एक चीज़ बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है 4 प्रोजेक्ट मिलने के बाद वो उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए जो मेहनत होती है वो उस टाइम तक करते हैं. फाइनली उस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद वो सिर्फ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं. उस टाइम पर आपकी सेल्स मार्केटिंग आप ख़त्म कर देते हैं. तो इसको अवॉइड करने के लिए जस्ट फाइंड अ पर्सन जो कि आपके बिहाफ में सेल्स मार्केटिंग करे एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस. तो सेल्स मार्केटिंग के साथ साथ आपको प्रॉपर वो मंथली आपको रिपोर्टिंग करे एंड आपके लिए लीड्स ला के दे ताकि आपका सेल्स साइकिल बिल्कुल भी ना बिगड़े. सो ये स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर प्लान करनी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया अब आपकी बारी आती है सर्विस देने के लिए. आप सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिकॉज आप एक कस्टमर्स लेने जा रहे हैं. उस कस्टमर के अंदर ये हमेशा ट्रस्ट फैक्टर ज़रूर बिल्डअप रखिए कि हाँ हम आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी सर्विस देंगे, हम आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे एंड जस्ट डोंट गो फॉर कि हाँ हम लो बजट में काम कर देते हैं हम ऐसा. तो वो टाइम पास वाला काम नहीं करना है बिकॉज़ ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बींग अ मार्केटर. कोई अपने सपनों को दाव पे लगा के आपको अमाउंट देता है उनके बहुत, हर किसी का बिज़नेस एक सपना होता है उनके लिए. सो अगर कोई ट्रस्ट करके आपको उसके लिए उसको बढ़ाने के लिए आपको अमाउंट दे रहा है तो इट शुड बी ट्रस्ट. आप बहुत ट्रस्टवर्दी होने चाहिए आप उतने रिजल्ट्स दे पाएँ. एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेल देम, गिव अ कन्वर्सेशन, जस्ट सिट फॉर अ कॉल एंड अंडरस्टैंड वॉट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व इट आउट. आपकी ज़िम्मेदारी है वो. ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको पूरा अपना हर मंथ का रिपोर्टिंग करना है कि एक्चुअली आपने क्या क्या चीज़ें प्लान की थी और क्या क्या चीज़ें अचीव हुई. आप अपने CRMs बनवा सकते हैं, कस्टम मेड्स बनवाने हैं तो. अगर आपको लगता है कि नहीं आप कुछ रेडी टू यूज़ CRMs यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं. बट एटलीस्ट गो फॉर एक्सेल शीट्स जहाँ पे आप सारी चीज़ें मैनेज करके रखें. तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में लेके जानी है. डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करिएगा. आप अपने क्लाइंट्स के साथ एग्रीमेंट्स रखिए, अपने इनवॉइसेस क्लियर रखिए, आप अपने रिटर्न फाइलिंग करेंगे. सो एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर वे. तो आप ये सारी स्ट्रैटेजीज ज़रूर फॉलो करिए तो आपने इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी पूरी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड अगर आपको लगता है कि आपको और कोई हेल्प चाहिए यू कैन डायरेक्टली पिंग मी आउट. आप मुझे इंस्टाग्राम पे लाइक यू कैन फॉलो अस विद द नेम डिजिटल मार्केटिंग बाय थिंक म्यूज. एंड अगर आपको लगता है दैट यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन लाइक अविशा नामदेव. बुक अ कंसल्टेशन कॉल एंड इफ यू वॉन्ट इट आई हैव जस्ट शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं 1-on-1. आपको कैसे सेल्स क्लोज करनी है, कैसे स्ट्रक्चर करना है अपनी कंपनी को, वो भी मैं आपको हेल्प करूँगी. देन बुक अ कंसल्टेशन कॉल राइट नाउ. एंड येस, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑल्सो. सो इफ़ यू आर इन टू इट जस्ट बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद अस एंड वी आर टीम विल गेट बैक टू यू. नंबर सारे मैंशन हैं, गो एंड चेक इट आउट. And don't forget to subscribe our channel and let me know कि ये video कैसा लगा आपको और कौन से latest topic पर आपको video चाहिए. Think Muse and yes, see you in the next video.